सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैक्स द डॉग। सो आज का टॉपिक है टिक्स। सो मेरे दोस्त का जर्मन शेफर्ड है, जो कि मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था मैक्स द फैमिली में, तो उसमें से एक डॉग है जिसको बहुत सारे टिक्स हो गए। तो आज हम लोग निकालने जाने वाले, और कैसे निकालेंगे वो सब मैं दिखाऊंगा। और बाकी तो मैं घुमाने लेके आया हूँ इन दोनों को। देखो क्या, ओए क्या कर रहा है, क्या मालूम मिट्टी वट्टी खा रहा है। और ये रहा अपना डेक्स्टर, और बस व्यू अच्छा है, व्यू देख सकते हो एकदम सही है। बाकी तो आप लोग को आगे देखने मिलेगा। हम लोग आ गए, और ये रहा वो मैक्स का भाई जो टिक्स हुआ है बहुत ही ज्यादा। संजू थोड़ा हाथ देगा, हाथ लगा, हाथ घुमा, बहुत टिक्स है, बहुत। प्लीज प्लीज, नो क्लिक्स, नो क्लिक्स प्लीज, ओनली टिक्स। बस अभी निकाल रहे हैं, देखो इतना निकाला हुआ, इतना टिक्स निकाला। तो आज निकाल के इसको इंजेक्शन ये सब देने वाले, तो धीरे धीरे दिखाता हूँ मैं। गाइस इतना निकला है अब तक टिक्स, एंड स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। बहुत है, अभी इसका हेयर कट किया है थोड़ा थोड़ा। कान का दिखाओ, कान का देखो, कान में भी टिक्स है, टिक्स टिक्स टिक्स। बहुत टिक्स हुए। हम लोग को 2 घंटा हो गए, ऑलमोस्ट 80-90% निकल चुके। 80-90 तो नहीं, पर 60-70% तो हम लोग ने निकाल ही लिया। देखो अभी मतलब इसको इतने पार्ट में ही है, इसके नीचे ज़्यादा नहीं है, और इधर मतलब हेड के साइड ज़्यादा है। तो बस अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो गाइस बहुत सारा टिक्स निकाल दिया, 80% निकाल दिया। तो अभी विनेगर और डॉग शैम्पू और पानी मिक्स करके उसको डाल दे रहे, तो छोटे मोटे रहेंगे तो मर जाएंगे। रिलैक्स हो गया, फिर से ही लग रहा है। तो गाइस आपने देखा कि इतना सारा टिक्स हो गया है उससे, तो हम फिलहाल तो निकाल दिया, लेकिन कुछ एग्स और उसमें रह जाएंगे, तो शायद वापस हो जाए। लेकिन उसको इंजेक्शन दे दिया, जो भी टिक्स का रहता है, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो देखते हैं अभी थोड़ी दिन बाद क्या होता है। लेकिन वैसे तो निकाल दिया। और ये टिक्स क्यों हो गए, क्योंकि उसने केयर नहीं किया, टाइम पे वॉश नहीं किया, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है, और मतलब वो चेक भी नहीं करता था कि टिक्स है कि नहीं है। सो उस वजह से, तो प्लीज़ आप अगर डॉग लो तो प्लीज़ उसकी केयर करो, नहीं तो फिर ऐसे ही इशू हो जाएंगे, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, टिक्स फीवर ये सब होने के चांसेस है, तो उससे डॉग्स बहुत बीमार हो सकता है और आपका खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। तो बस ये ब्लॉग में यही दिखाने का था मुझे कि डॉग का टिक्स और प्रॉब्लम, ज़्यादा कुछ बताने का नहीं था, सिर्फ दिखाने का था। तो बस और वीडियो आते रहेगा, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। बाय।